Hello students, my name is Mohammed Shamshad Alam. Today we will start the 9th class economics and our first chapter is the story of Palampur village. In this chapter we will study about the situation of village and what are the ideal situation for any village, and it is the imaginary village because this kind of village is not persist in actual way, but it is providing the information about the basic ideas how the village have the facilities of different kinds and how they can develop. तो इसमें हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे कि हमारा जो जितने भी भारत में, क्योंकि भारत को गांवों का देश कहा जाता है, ठीक है, बहुत सारे मतलब जो हमारा अभी भी जो ज़्यादातर जो आबादी है भारत की 68% लगभग जो है दे आर, अगर हम लोग ये कहें तो वो अभी भी हमारे कहाँ रह रहे हैं, तो गांव में रह रहे हैं. सिर्फ 32% जो आबादी है हमारी वो शहरी आबादी है, जिसे हम लोग अर्बन पॉपुलेशन कहते हैं. तो यहाँ पे एक स्टोरी आपको दे करके बताई गई है, ये इमेजिनेशन के द्वारा इसको समझाया गया है कि जो एक आइडियल गांव होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट्स जो मेन हैं उनको लेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम के लिहाज से आप लोगों का ये इतना ज़्यादा मतलब जो है सारी चीज़ों को हमें याद नहीं रखना है, हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, तो उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग डील करेंगे. तो पहला सबसे मतलब सिंपल पॉइंट है कि इस गाँव में 450 लोग रह रहे थे, ठीक है. दूसरा, इट इज़ 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम द रायगंज. रायगंज जो है वो आपके पालमपुर विलेज से बड़ा एक गांव था, और नियरेस्ट जो सिटी है वो है शाहपुर. इन दोनों का जिक्र इसलिए है क्योंकि जो सरप्लस प्रोडक्शन था पालमपुर विलेज का, या तो वो लोग मतलब जो है आप करके रायगंज में जा करके बेचते थे, या फिर जो बगल के शहर थे शाहपुर वहाँ पर बेचते थे. तो इसीलिए इन दोनों का, शहर का और गाँव का डिस्कशन जो है वो इम्पोर्टेंट था. अब दूसरी बात करते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की एक्टिविटीज़ वो लोग परफॉर्म कर रहे थे. दे परफॉर्म द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. 70% पीपल इंगेज इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर. एग्रीकल्चरल सेक्टर में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, और बाकी जो रिमेन्स थे दे आर प्रैक्टिस द नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़. मतलब नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़ में ये लोग काम कर रहे थे जिसमें फार्मिंग से कोई रिलेशन नहीं था, जैसे डेयरी आ जाता है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग. घर में ही वो लोग मतलब जो है, जो लोग जैसे मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, कुम्हार वगैरह, या फिर वेवर्स वाला जो कपड़े वगैरह बुनते हैं, वो सब अपने घर में ही छोटे मोटे मतलब जो है स्मॉल स्केल पर वो इंडस्ट्री डेवलप कर चुके थे. फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम वहाँ पे मतलब जो है ठीक ठाक ही फैसिलिटीज़ अवेलेबल था. ब्लॉक कार्ट वगैरह वहाँ पर अवेलेबल था, ट्रैक्टर वगैरह, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ऑटो वगैरह, एंड कैरीड ऑन द लिमिटेड स्केल. लेकिन ये ज़्यादा नहीं था, ये कम स्केल पे था. अगर आप कभी डिफरेंस पढ़ेंगे आगे चलकर कि गांव जो है वो किसे कहते हैं, शहर किसे कहते हैं, तो आपको बेसिक डिफरेंसेस जो मिलेगा वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मिलेगा. ज़्यादातर जो गांव होते हैं दे परफॉर्म द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ या फिर प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. वहाँ पर 75% लोग जो है वो एग्रीकल्चर और प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं. दूसरा, वहाँ की जो डेंसिटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक. उसके बाद मतलब वहाँ की जो आबादी होगी वो मतलब लेस देन 5000 जो है वो पॉपुलेशन होगा. ये डेफिनेशन है सेंसस ऑफ इंडिया का, ही अर्बन एरिया और रूरल एरिया जो है वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए. उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो अर्बन एरिया के लिए हैं. अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है. किसी भी चीज़ को आपको मतलब जो है कोई, अगर मान लीजिए किसी भी इंडस्ट्रीज़ को आपको परफॉर्म करना है, कोई इंडस्ट्री आपको लगानी है, तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. तो सबसे पहले हमें अवेलेबल होना चाहिए लैंड. लैंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, एज वेल एज हमारा नेचुरल रिसोर्स जो है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट लैंड आता है, क्योंकि ज़मीन जो है उसी पर हम इंडस्ट्री को कायम करेंगे. तो ज़मीन होना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपके पास ज़मीन है तो उसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए वो है लेबर. लेबर होना चाहिए जो वहाँ पर काम को करेंगे, परफॉर्म करेंगे, और सारे मतलब जो है प्रोडक्शन में मतलब जो है काम करेंगे. लेकिन आपके पास ज़मीन भी है, आपके पास लेबर भी है, तीसरी जो हमारी रिक्वायरमेंट्स आती है वो क्या है, तो वो है हमारा कैपिटल. जो इन्वेस्टमेंट हम उस पर पैसा वगैरह लगाएंगे वो आ जाता है. चौथा जो हमारा फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट जो है, दैट इज़ द ह्यूमन रिसोर्स. इंसान भी एक रिसोर्स है, क्योंकि इंसान बाकी सारे रिसोर्सेज को डेवलप करता है और उन सारे रिसोर्सेज को इंटरलिंक करने की कोशिश करता है. तो चलिए आज हम लोग यहाँ पे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है इसलिए हम लोगों को ये सारी चीज़ें मालूम होनी ज़रूरी है. तो पहले तो आ जाता है हमारा लैंड,
लेबर कैपिटल, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज द ह्यूमन रिसोर्सेज। ये चार चीजों जो है दे आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन चारों को हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इंसान ही वो होता है जो इन तीनों चीजों को लिंक करता है, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो लैंड हो। इन तीनों चीजों को लिंक कौन करता है? इंसान करता है, हम लोग करते हैं। कि कहाँ पे हमें बेनिफिट मिलेगा, किस तरीके से हम काम करेंगे, ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं। तो लैंड, लैंड इज द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये हमें नेचर के द्वारा मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज, हमारे लैंड में ही हमारे सॉयल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। लेबर मीन्स ह्यूमन एफर्ट, इंसानी एफर्ट जो है, जो फिजिकली वो लोग काम करते हैं। और उसके बाद फिजिकल कैपिटल की बात अगर हम करते हैं, फिजिकल कैपिटल जो है ये थर्ड रिक्वायरमेंट होता है। और कैपिटल को दो भागों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। कैपिटल दो भागों में डिवाइड कैसे होगा भाई? तो कैपिटल दो भागों में इस तरीके से डिवाइड होगा कि हम लोग एक को कहते हैं हम लोग फिक्स कैपिटल, दूसरे को हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। तो इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है, फिक्स कैपिटल क्या होता है? तो फिक्स कैपिटल वो होता है, मान लीजिए कि कोई चीज, कोई टेक्नोलॉजी, कोई मशीन आप एक बार खरीद रहे हैं, लेकिन उसका मुनाफा आपको मतलब जो है साल दर साल मिलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई आप मशीन घर में लगाते हैं, या फिर फूड प्रोसेसिंग मशीन लगाते हैं आप, तो फूड प्रोसेसिंग मशीन ये नहीं कि उसी टाइम तक सिर्फ आपको फायदा देता है, जब तक वो मशीन चलती रहेगी तब तक आपको वो फायदा जो है उसका मिलता रहेगा। तो उसी तरीके से तो आप जितने भी, जैसे मान लीजिए हाउस है, या फिर लैपटॉप है, या फिर मतलब जो है कोई बिल्डिंग्स है, ठीक है, आपके फूड ग्रेन्स स्टोरेज के लिए, तो ये ऐसे रिसोर्सेज जो आप एक बार खरीदते हो और उसका फायदा आपको मतलब जो है सालों साल होता रहता है, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग जो है वो फिक्स रिसोर्सेज कहते हैं, या फिक्स कैपिटल कहते हैं। दूसरा हमारा आता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में ये आ जाता है आपका सिर्फ काम करने के लिए, जिस टाइम आपको जरूरत है उसी टाइम वो उसका यूज होगा, बाद में मतलब उसका यूज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई मतलब किसान है, तो किसान के लिए उसका रॉ मटेरियल जो हो गया वो क्या हो गया? सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इंसेक्टिसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया। तो इस तरीके के जो रिसोर्स उनको उसी टाइम के लिए फायदा पहुंचा सकते हैं, ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। उसके बाद मनी इन हैंड्स, हाथ में जो पैसा है किसान के, मान लीजिए, या फिर काम काजी के, जो भी मतलब काम करना चाहते हैं, वो पैसा भी आपके जो है वर्किंग कैपिटल कहलाता है, क्योंकि मतलब जो है उससे उसी टाइम के लिए उनको बेनिफिट होगा, ठीक है। इसीलिए तो मनी इन हैंड्स जो है वो वर्किंग कैपिटल के अंदर आ जाते हैं। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फार्म एक्टिविटीज। लैंड एरियाज अंडर कल्टिवेशन इज वर्चुअली फिक्स्ड। लैंड एरिया क्या है? वो फिक्स्ड है। हम लोग जानते हैं कि भारत का जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया है टोटल, मतलब ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। और ये दुनिया का 2.4% एरिया जो है वो है। लेकिन आप ये सोचिए, लैंड तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन हमारी आबादी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर हम लोग देखें पॉपुलेशन के हिसाब से, तो इंडिया शेयर अबाउट 17.5% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का हम लोग जो है 17.5% आबादी शेयर करते हैं, और जमीन कितना शेयर करते हैं? ओनली 2.4%। तो देखिए जो प्रेशर है लैंड का, वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है, लैंड के ऊपर बढ़ता जा रहा है। तो लोग अपने लिमिटेड लैंड से ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं। तो ये नंबर्स इंक्रीज होने से जो लैंड के साइज है वो दिन ब दिन और डिक्रीज हो रहे हैं, ना कि इंक्रीज हो रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए कि एक फैमिली में मतलब जो है चार बेटे हैं, और फिर इनके चार बेटे के मतलब मान लीजिए किसी के तीन भाई हुए, किसी के चार भाई हुए, किसी के दो भाई हुए, किसी के पांच भाई हुए। तो इस तरीके से फिर फर्दर जो लैंड इन चार भाइयों के पास था, वो फर्दर मतलब एक एक लोगों के पास मतलब इतने इतने डिविजन्स में लैंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरीके से मतलब लैंड दिन प्रतिदिन करती क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो इसीलिए इंसान ज्यादा से ज्यादा उससे मतलब एक्वायर करना चाहता है। अगर हम बिफोर मतलब 1960s के बारे में अगर हम लोग देखें, सम वेस्टलैंड इन इंडिया हैड बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेबल लैंड आफ्टर 1960s। इंडिया ने बहुत सारे जो अनकल्टीवेबल लैंड थे उनको दोबारा कन्वर्ट करने की कोशिश की, ताकि उनको एग्रीकल्चर के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जा सके। तो पहले हम लोग जो है खाना, जो आपके अनाज था, वो दूसरे कंट्री से परचेज करते थे, अमेरिका वगैरह से लेते थे। लेकिन आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का इंप्रूवमेंट हुआ और यहाँ पे लॉन्च हुआ, उसकी वजह से हमारी जो एक्टिविटीज थी वो चेंज हो गई। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग फार्मिंग। व्हेन वी ग्रो द मोर देन वन क्रॉप ऑन द फील्ड, जब एग्रीकल्चर मतलब लैंड पे मान लीजिए कि खेत है, और इस खेत में आप मतलब एक साल में एक से ज्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। व्हेन वी ग्रो द मोर देन वन क्रॉप इन अ एग्रीकल्चर ईयर इज नोन एज द मल्टीपल क्रॉपिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल नाम से ही पता चल रहा है, मल्टी मतलब मोर देन वन,
क्रॉपिंग का मतलब लगाना, तो जिस मतलब जो है एग्रीकल्चर में हम एक से ज्यादा क्रॉप को लगाते हैं एक साल के अंदर, उसे हम मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। दूसरा है यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स मतलब जैसे देखिए कि ड्यू टू दीज चेंजेस इन द लेट 1960s द प्रोडक्शन ऑफ लैंड इंक्रीज एंड सब्सटेंशियली विच इज नोन एज द ग्रीन रेवोल्यूशन। तो 1960s के दौर में अगर कहें हम लोग तो इंडिया में तो 1970s के दौर में जो है वो शुरू किया गया, और ये इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन जो लॉन्च हुआ वो 1965 से 66 के बीच में लॉन्च हुआ था, ठीक है। और ये जो 95 से 66 का बीच है दौर है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन थोड़ा समझ लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत जो है वो आपके 1965-66 में हुई, लेकिन वर्ल्ड में इसकी शुरुआत 1954 में ही हो गई थी, और मैक्सिको में इसकी शुरुआत हुई थी, और किसने किया था, नॉर्मन बोरलॉग ने। तो मैक्सिको में मतलब इसकी शुरुआत हुई, उसने सबसे पहले वीट का हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो है वो यूज करना शुरू कर दिया, जिससे गेहूं की जो पैदावार थी वो 3 गुना ज्यादा बढ़ गई। जब इंडिया को पता चला तो इंडिया ने भी उस सीड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया के कुछ राज्य जो है वो डेवलप हो गए, जैसे पंजाब, हरियाणा एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। देवर यूज द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि आप हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इरिगेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है दीज आर नोन एज द मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ये सारी चीजें मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, ठीक है। इरिगेशन की फैसिलिटीज अवेलेबल होना, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का अवेलेबल होना, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का अवेलेबल होना, ट्रैक्टर्स का अवेलेबल होना, ये सब मॉडर्न मेथड है जो कि हमारे मतलब जो है फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। अगर हम लोग लेबर की बात करें तो आफ्टर लैंड लेबर इज द नेक्स्ट बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो अपने खेत पे तो काम करते ही करते हैं, वो दूसरे के खेतों पर भी मतलब एज अ मतलब वर्कर्स जो है वो काम करते हैं, और वहां से वो लोग मुनाफा जो है वो कमाते हैं। कैपिटल की हम लोग बात करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की दो तरीके के कैपिटल्स होती है हमारे, मतलब जो है हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और कैपिटल क्या है हमारा, तो दो तरीके का कैपिटल है, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। उसी दोनों में से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, उसको याद रखना है आपको, ठीक। क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है उसमें ज्यादातर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। आपको ट्रैक्टर खरीदना है तो पैसे चाहिए, आपको इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए तो आपको पैसे चाहिए, क्योंकि आपको डीजल पेट्रोल ये सारी चीजें खरीदनी है, ठीक है। तो ये भी डीजल पेट्रोल जो है ये भी वर्किंग मतलब कैपिटल के अंदर ही आ जाता है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स खरीदना है उसके लिए पैसे चाहिए, ठीक। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में बहुत ज्यादा मतलब पैसे की जरूरत होती है, इसीलिए मतलब जो है पैसा जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में भी। स्केल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। देखिए जो पालमपुर विलेज था, मैंने कहा कि ये एक आइडियल विलेज है, मतलब अच्छा गांव है, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आपको यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आपके यहाँ पर रोड्स मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेल डेवलप्ड है, उसके बाद वहां पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल है, स्कूल्स अवेलेबल हैं, तो ये एक अच्छे गांव की निशानी है कि ये सारी जो बेसिक फैसिलिटीज हैं वो वहां पर मौजूद हों। तो यहां पर क्या था कि जो मतलब आपके यूज करने के बाद जो ग्रेन्स बच रहे थे गांव के लोग, वो ग्रेन्स ले जाकर के अपने पास के जो मतलब जो है गांव थे वहां पर, मतलब जो है पालमपुर के जो पास के मतलब गांव थे वहां पर, ये अपने मतलब जो है जो प्रोडक्शन के जो बचे हुए ग्रेन्स होते थे उनको वो लोग वहां पर बेचते थे। तो रायगंज में मतलब जो है जाकर के ये अपने अनाज को बेचते थे और इनसे उनको मुनाफा होता था। तो क्वेश्चन इनमें से क्या बन गया कि जो आपका सरप्लस प्रोडक्शन है वो पालमपुर के लोग कहां ले जाकर के बेचते थे। तो सरप्लस प्रोडक्शन जो है जो उनके मतलब जो है आपके बगल के गांव थे आपके रायगंज, वहां पर ले जाकर के वो लोग सेल करते थे। और किस चीज का वहां पर सरप्लस प्रोडक्शन था, तो वहां पर वीट का जो है वो सरप्लस प्रोडक्शन था। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नॉन फार्म एक्टिविटीज। तो आउट ऑफ द 100 वर्कर्स इन द रूरल एरिया इन इंडिया ओनली 24 आर एंगेज इन द नॉन फार्म एक्टिविटीज। तो हम लोग ये कह सकते हैं जनरली के जो आपका 76% मतलब जो है आपके लोग हैं दे आर इन्वॉल्व इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अदर्स 24% एंगेज इन द नॉन फार्म एक्टिविटीज। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपकी, तो नॉन फार्म एक्टिविटीज में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा आपका, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा आपका, क्योंकि कुछ लोग उसमें भी काम करते थे। उसके बाद मतलब जो है आपके डेयरी फार्मिंग आ जाएगा, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है नॉन फार्म एक्टिविटीज के अंदर आ जाते हैं। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज में कितने परसेंट लोग इन्वॉल्व थे वहां पर, 24% पीपल एज अ रिसोर्स।
हमने कहा अभी मतलब जो हमारा जो दूसरा मतलब जो है चैप्टर है वो क्या है हमारा, वो पीपल एज ए रिसोर्स है, ठीक है। सेकंड, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स, द वर्किंग पीपल इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ देयर एबिलिटीज एंड स्किल इट कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगर मान लीजिए कि हम मतलब जो है आपके द वर्किंग पीपल मतलब जो कामकाजी लोग हैं, जो लोग काम करके इनकम जनरेट करते हैं, उनकी एबिलिटीज और स्किल के वजह से वो मतलब किसी भी देश के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर भारत में देखें तो अभी इंडिया में मतलब जो है 63% वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो है जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा है। तो भारत में भी दुनिया का सबसे ज्यादा वर्किंग एज ग्रुप पॉपुलेशन लाई करता है, ठीक है। और वर्किंग एज पॉपुलेशन ग्रुप किस एज तक आता है ये भी आप देख लीजिए। तो यहां पर आपका जितने 15 साल से लेकर के 15 मतलब ईयर से लेकर के आपके 59 ईयर्स तक जो आबादी है हमारी वो आपके वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं यहां पर ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इंसान को हम रिसोर्स कब कहेंगे, जब इंसान जो है कुछ कंट्रीब्यूट करेगा हमारे डेवलपमेंट में, हमारे सोसाइटी में, तो उसे हम रिसोर्स कहेंगे। और वो कब रिसोर्स बनेगा, वो तब रिसोर्स बनेगा जब हम उसे अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, स्किल एंड डेवलपमेंट जो है वो उनको प्रोवाइड करेंगे, तो जाकर के वो मतलब जो है ह्यूमन कैपिटल जो है वो बनेगा। तो व्हेन द एग्जिस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज फर्दर एजुकेटेड हेल्थ फैसिलिटीज एंड एक्सटेंडेड टू ऑल द पीपल देन इट इज कॉल्ड द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब बात करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल किन किन चीजों में, तो हेल्थ में, ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग की जगह पर स्किल भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद एजुकेशन, आप देखिए कि बहुत सारे मतलब सोसाइटी में आपके घर के आसपास सभी लोग नौकरी करने वाले नहीं होंगे जो गवर्नमेंट नौकरी करते होंगे, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब करते होंगे, कुछ लोग स्किल्स एंड डेवलपमेंट का भले ही वो पढ़े लिखे ना हो लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली मतलब अगर मान लीजिए कि कोई मतलब मोबाइल के शॉप पे है या मतलब कंप्यूटर के शॉप पे है या फिर मतलब जो है आपके और जैसे मोटर मतलब गाड़ी के शॉप पे है या बाइक के शॉप पे, तो उन सब जगहों पे जो लेबर्स वगैरह होते हैं वो सब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक। लेकिन मतलब जो है वो लोग टेक्निकली जो है वो स्किल्ड होते हैं, मतलब उनको मालूम होता है कि कौन सा फंक्शन किस तरीके से काम करेगा। तो इसीलिए ट्रेनिंग, अगर जो लोग नहीं पढ़ लिख रहे हैं तो उसको ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए देखते हैं गरीब जो फैमिली के बच्चे होते हैं उनको वो फैमिली वाले बचपन से ही किसी के पास दुकान में छोड़ देते हैं ताकि वो धीरे 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 काम सीख ले और आगे चलकर कम से कम अपना गुजर बसर जो है वो कर सके। तो ये भी तो मतलब जो है देश के डेवलपमेंट में हाथ बटाता है, क्योंकि ये जो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कर रहा है उससे वो टेक्निकली स्किल हो रहा है और स्किल होने के बाद वो उसका इस्तेमाल कर रहा है और लोगों को उसका फायदा पहुंचा रहा है। तो इस तरीके से ये तीन चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल इज मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर रिसोर्सेज सच एज द फिजिकल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्यों, क्योंकि बाकी सारे कैपिटल्स को यही कंबाइन करता है। हमने पहले भी आपको कहा था कि बाकी सारे कैपिटल को कौन कंबाइन करता है, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल कैन बी यूटिलाइज एज द फिजिकल कैपिटल बट फिजिकल कैपिटल कैन नॉट बिकम द यूजफुल देमसेल्फ। फिजिकल कैपिटल मान लीजिए कि बहुत सारे मतलब जो है आपके रुपया पैसा है, बिना आदमी के रुपया पैसा सारी चीजें बेकार है, तो इंसान का दिमाग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉपुलेशन विच वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ लायबिलिटी, पहले शुरू में मतलब लायबिलिटी उसको समझा जाता है, एंड कैन बिकम एन द एसेट इफ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन द ह्यूमन कैपिटल। अगर हम अच्छी तरीके से उनकी देखरेख करते हैं, उनको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, उनको एजुकेशन देते हैं, उनको स्किल एंड डेवलपमेंट करवाते हैं, तो वो मतलब फ्यूचर में चल के वो हमारा एक एसेट बनता है, वो हमारा एक मतलब जो है आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपको मतलब जो है पैसा प्रोवाइड करता है, वो हमारा समझ लीजिए सारी चीजें बन जाता है। लेकिन उसके लिए हमें पहले उसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, तब जाकर के वो हमारा एसेट बनेगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन इज अ मेजर एडवांटेजेस। एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कि सोसाइटी में इक्वलिटी प्रिवेल करता है। मान लीजिए एक बच्चा मतलब शेड्यूल कास्ट में है या शेड्यूल ट्राइब में, सबसे अच्छा एग्जांपल ले लीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक। वो किस तरीके की फैमिली से आते थे सोचिए, और उसके बाद वो भारत के मतलब जो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पिता बन गए, उस किस वजह से, सिर्फ ओनली विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। तो एजुकेशन की मदद से यू कैन डू एवरीथिंग और किसी के भी बराबर आप बैठ सकते हैं। तो एजुकेशन आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग ये देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है।
प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्चुअली ये पांच में डिवाइड है, लेकिन आप लोगों को अभी अप टू 10 तक जो है वो 3 ही पढ़ना है। तो 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज है हमारी। तो प्राइमरी में हम लोग देखते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स में जो लोग हंटिंग, गैदरिंग, माइनिंग, मतलब जो है फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, फिशिंग, ये सारी चीजें जो है, फॉरेस्ट्री, ये सब किसके अंदर आ जाता है? प्राइमरी के अंदर आ जाता है। प्राइमरी में क्या होता है? वी टेक द नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचर विदाउट एनी इंटरप्शन। हम लोग डायरेक्टली नेचर से वो रिसोर्सेज जो है ऑब्टेन करते हैं विदाउट एनी एडवांस टेक्नोलॉजी, बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के, एंड वी कैन यूज डायरेक्टली ऑल दीज काइंड ऑफ रिसोर्सेज। बट वेन वी टॉक अबाउट द सेकेंडरी सेक्टर, इन सेकेंडरी सेक्टर वी आर कंसिडर्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग एंड द कंस्ट्रक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग जितने भी ऑल द इंडस्ट्रीज, जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल हो चाहे वो लार्ज स्केल हो, सब लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, यहां पर कुछ ना कुछ चीजें बनती हैं, तो ये कंसिडर्ड हो जाता है आपका सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इन सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी वी कैन यूज द मॉडर्न इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजीज। हम लोग अलग जो अभी दुनिया में टेक्नोलॉजीज चल रही हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा फिनिश प्रोडक्ट्स जो है वो कन्वर्ट कर सके। क्योंकि मशीन जो है उसका डेफिनेशन यही है, मशीन कन्वर्ट्स द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। रॉ मटेरियल को वो फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट कर देता है, जिससे उसकी प्राइस वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या जाता है? मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, दे आर कंसिडर्ड इन द सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो क्वेश्चन क्या आता है? इससे आ जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? सर्विस सेक्टर। जैसे मान लीजिए कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, या फिर मतलब जो है ट्रांसपोर्टेशन है, या फिर कम्युनिकेशन है, ट्रेड है, बैंकिंग है, हेल्थ सर्विस है, ये सारे किस में आ जाते हैं? टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हम कोई रिसोर्स किसी को ट्रांसफर नहीं करते हैं, किसी को कोई सामान नहीं बेचते हैं, हम यहां पर अपने नॉलेज और स्किल्स की वजह से जो इनकम है वो जनरेट करते हैं। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, वो कहां से आता है? हमारा सर्विस सेक्टर से आता है। मतलब सबसे ज्यादा लोग जो है इन्वॉल्व है आपके प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में, लेकिन सबसे कम लोग इन्वॉल्व है आपके टर्शरी में, और सबसे ज्यादा मुनाफा भी आपको कौन दे रहा है? टर्शरी ही दे रहा है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है हमारे देश का, टर्शरी इकोनॉमिक सेक्टर। क्यों? क्योंकि हमें ये मुनाफा ज्यादा देता है, लोग कम इन्वॉल्व है। ऐसा क्यों होता है? आप सिंपल यहां पर हेल्थ से समझिए। मान लीजिए कि एक डॉक्टर है और उस डॉक्टर की पर डे इनकम जो है वो 5000 रुपीज है। ठीक, चलिए अगर 5000 नहीं तो ज्यादा अगर हो रहा है तो 2000 कर लेते हैं कि एक दिन का उनका जो इनकम है वो 2000 रुपए है। और एक किसान का इनकम लेते हैं जो लेबर का है, गवर्नमेंट ने एक लेबर की इनकम जो है वो तय की है 300 रुपए पर डे। ठीक, अब देखिए डिफरेंस कितना है, एक लेबर जो काम कर रहा है वो एक डॉक्टर के कितने लेबर के इनकम के बराबर होगा? तो एक डॉक्टर जो है कितने, अब इसमें मान लीजिए कि कम से कम जो है आपके 6 लेबर का इनकम जो है, मतलब जो है वो एक डॉक्टर जो है अकेले अर्न कर रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या फिर प्राइमरी इकोनॉमिक सेक्टर जो है हमारा, उसमें लोग ज्यादा इन्वॉल्व है लेकिन जो इनकम है हमारी वो बहुत ज्यादा बहुत कम है। और टर्शरी सेक्टर में क्या है, लोग कम इन्वॉल्व है, इनकम जो है वो हमारी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए जो टर्शरी सेक्टर, इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? सर्विस सेक्टर। क्योंकि ट्रांसपोर्ट क्या प्रोवाइड करता है आपको? सर्विस प्रोवाइड करता है। आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, ठीक, आपको किस चीज का सहारा लेना पड़ेगा? ट्रांसपोर्ट का। तो रोड ट्रांसपोर्ट है, रेल ट्रांसपोर्ट है, एयर ट्रांसपोर्ट है, वाटर ट्रांसपोर्ट है, बहुत सारे मतलब जो है ये हमारे जो सर्विस सेक्टर है वो प्रोवाइड करता है। कम्युनिकेशन की बात करते हैं हम लोग, आईटी सेक्टर की, ये भी हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। आप कभी ये सोचते हैं आप रिचार्ज कराते हैं इंटरनेट का? ठीक, इंटरनेट का जब आप रिचार्ज कराते हैं तो आप तो कोई सामान उससे नहीं खरीद रहे हैं, कोई चीज उसने आपको दिया नहीं दिया, आपको क्या वो प्रोवाइड कर रहा है? फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है आपको, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो फैसिलिटी जो है वो किस में आ जाता है? सर्विस में आ जाता है। तो टर्शरी सेक्टर में हम लोग किस चीज के बारे में बात करते हैं? सर्विस सेक्टर के बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू द मार्केटिंग एक्टिविटीज और नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज। मार्केटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है कि जब आप मार्केट में कोई चीज मतलब जो है बेचने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, उसका मुनाफा कमाने के लिए प्रोड्यूस करते हैं, तो वो मार्केटिंग एक्टिविटीज में आ जाता है। नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज में क्या आता है कि जो चीज सिर्फ आप अपने यूज के लिए
प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे हम लोग नॉन मार्केटिंग, तो मार्केटिंग एक्टिविटीज टास्क परफॉर्म फॉर द प्रॉफिट, इसमें मेन पर्पस जो होता है मुनाफा कमाना, ठीक। लेकिन नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज में क्या हो जाता है, प्रोडक्शन ओन कंजम्पशन, खुद के लिए, जैसे कि आप मतलब अगर ये भी कह लें हम लोग कि जैसे पूजा वगैरह करते हैं हम लोग, ठीक है, या मतलब जो फेस्टिवल्स होता है उसमें क्या, वो नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज है आपकी, ठीक, आप अपने लिए करते हैं, तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो काम हम लोग करते हैं वो नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है। अब आती है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द हेल्थ, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द स्किल एंड डेवलपमेंट। इन तीन चीजों के ऊपर किसी भी कंट्री की क्वालिटी जो है वो डिपेंड करती है। और अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें तो हर कंट्री अपने कंट्री के एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ करती है, ठीक। तो हमारे देश में अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हमारी जो लिटरेसी रेट है वो है 70.4%, 70.4%, तो 74.4% जो है ये हमारी लिटरेसी रेट है। लिटरेट किसे कहते हैं, द पर्सन who have 7 years of old and they can ability to read and write in any languages of India, किसी भी भाषा में वो लिख सकता हो, पढ़ सकता हो अपना नाम, उसे हम लोग क्या कहेंगे, literate कहेंगे। तो भारत की literacy कितनी है, 74%, अभी भी ये समझ लीजिए बहुत कम है comparatively। तो हमारे देश में literacy, और इसमें भी variation है male और female का। उसके बाद एक और difference है rural and urban का, कि जो literacy है वो आपके vary करती है, मतलब मेल और फीमेल में लगभग मतलब जो है 17-18% का डिफरेंस है भारत में मेल और फीमेल की लिटरेसी में। लगभग 84% जो है वो आपके भारत में मेल की लिटरेसी है, लेकिन उसी हाथ पे अगर हम देखें तो मतलब इंडिया में फीमेल की लिटरेसी लगभग 65-66% के करीब आती है, तो बहुत कम मतलब फीमेल लिटरेसी है भारत में। उसके बाद रूरल अर्बन की बात करें तो यहां पर भी लगभग 16% का डिफरेंस आपको मिलेगा रूरल और अर्बन के एजुकेशन में। तो हमारा जो गैप है ये गैप भी मतलब जो है सोसाइटी में डिसबैलेंस जो है वो पैदा करता है। अगर हम लोगों को लिटरेट करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे, तो वो पॉवर्टी को, वो मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को वो अपने आप ही उसको रिड्यूस करेगा, क्योंकि जब इंसान पढ़ेगा तो नई टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा, नई स्किल्स एंड मतलब जो है नई स्किल्स का फॉर्मेशन करेगा, नई सारी चीजें को डेवलप करेगा। अब भारत ने बहुत सारे अभियान चलाए ताकि एजुकेशन को इंप्रूव किया जाए, जैसे सर्व शिक्षा अभियान था 2001 से 2002 के बीच में चलाया गया, ताकि बेसिक एजुकेशन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाए जो लोग मतलब जो है 6 से 14 साल की उम्र के हैं। अब इसी को बाद में मतलब जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर मतलब दिया गया कि ये जो आर्टिकल नंबर 21A है, ये जो 21A आर्टिकल है, ठीक है, ये मतलब 21 में इंक्लूड किया गया है, जो कि राइट टू लाइफ है, ठीक है, राइट टू लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, क्योंकि ये वाहिद ऐसा आर्टिकल है जो कि आपके नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता है फंडामेंटल राइट्स का, उसी में इसको इंक्लूड किया गया है। सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन 21A आर्टिकल है, और इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह कहा कि द चिल्ड्रन विच लाइज बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years दे गेट द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फ्रॉम देयर स्टेट और सेंटर। मतलब उसको सेंटर और स्टेट के द्वारा जो बच्चे 6 से 14 साल की उम्र के हैं उनको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद मतलब मिड डे मील भी चलाया गया ताकि बच्चे जो है खाने और मतलब जो है फूड की मतलब जो है जरूरत के हिसाब से कुछ जो गरीब बच्चे हैं वो लोग भी स्कूल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएं, क्योंकि उनको मतलब जो है दोपहर का खाना जो है इन स्कूलों में दिया जाता, ठीक है। इस वजह से मतलब गांव में बहुत अच्छी खासी कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ और बच्चे जो है वो स्कूली शिक्षा से जुड़े, और जिससे मतलब जो है बहुत मतलब फ़ायदा हुआ और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो इंक्रीज हुआ। अब बात करते हैं हम लोग की जो लिटरेसी रेट है हमारी, तो वो वेरी करती है स्टेट वाइज भी। अगर हम देखें तो इंडिया का मोस्ट लिटरेट स्टेट जो है दैट इज केरल, और वो रिकॉर्ड करता है 93.63% मतलब लिटरेसी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लिटरेसी केरल की है। और अगर हम कम की बात करें, लीस्ट लिटरेट स्टेट की बात करें, तो बिहार जो है वो 63% के लगभग मतलब उनकी लिटरेसी है अगर 2011 सेंसस के हिसाब से हम टॉक करें। तो अब बात है हमारा नेक्स्ट जो है वो है हेल्थ से रिलेटेड, ठीक। हेल्थ फैसिलिटीज आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हेल्थ के हिसाब से भी मतलब जो है देखा जाता है। क्यों? क्योंकि एन अनहेल्दी इंडिविजुअल इज नॉट एन एसेट, मतलब जो अनहेल्दी होगा वो एसेट कभी भी नहीं बन सकता है।
मान लीजिए वो मेंटली भी अनहेल्दी हो सकता है, वो फिजिकली भी अनहेल्दी हो सकता है, तो वो हमारे देश का कभी भी मतलब एसेट नहीं बन सकता है, वो लायबिलिटी बन जाएगा। ठीक, तो उसी तरीके से द नेशनल पॉलिसी ऑफ आवर कंट्री एम टू इम्प्रूविंग द हेल्थ केयर और हेल्थ केयर फैसिलिटीज में हम लोग अगर देखें तो भारत ने 1952 में ही नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी जो है नेशनल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी मतलब एक्वायर कर लिया था। उसके बाद 2000 में उन्होंने एनपीपी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एक्वायर किया था ताकि हेल्थ की मतलब जो इम्प्रूवमेंट है उसको, हेल्थ जो फैसिलिटीज है उनको इम्प्रूव किया जाए। अभी हम लोग देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी से हम लोग हेल्थ का पता लगा सकते हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी क्या है, तो अगर हम देखें तो इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो जापान का है, वहां पे लगभग मतलब 88 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी है कि लोग कम से कम मिनिमम 88 साल तक वो लोग वहां पर जीते हैं। लेकिन उसी के कंपैरेटिव अगर आपने अपने कंट्री की हम लोग बात करें तो यहां पर 68-69 इयर्स का लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, ठीक है, भारत में। हालांकि ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी जो हेल्थ फैसिलिटीज है वो दिन ब दिन बढ़ी है और मतलब अच्छी हुई है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इन इंडिया द अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल इन द रूरल एंड अर्बन बोथ। मतलब ऐसा नहीं कि शहर में अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, शहर का अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू द रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल में हालांकि गांव में ज्यादा मतलब अगर हम कंपेरेटिव स्टडी करें अर्बन और रूरल में तो गांव में ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो दो तरीके से है रूरल एरियाज में, एक होता है हमारा सीजनल, दूसरा होता है डिसगाइज। सीजनल मतलब कि आप मान लीजिए कि जो वर्किंग सीजन है उसमें तो आपको काम मिलेगा, लेकिन जो नॉन वर्किंग सीजन है, मान लीजिए कि कोई क्रॉप का हार्वेस्टिंग सीजन चल रहा है, तो अब जहां से आपने क्रॉप लगाया है और लगाने के टाइम आपको नौकरी मिल गई, फिर उसके बाद मतलब जो है आपने जब हार्वेस्ट करेंगे तब आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके जो बीच का पीरियड होता है उस टाइम आप खाली बैठे हुए होते हैं, या फिर एक क्रॉप से दूसरे क्रॉप के बीच का जो टाइम होता है उसमें आप खाली बैठे होते हैं, तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग सीजनल। तो दोनों अनएम्प्लॉयमेंट चाहे वो सीजनल हो चाहे वो डिसगाइज्ड हो, तो क्वेश्चन ये आता है डायरेक्टली कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है ज्यादा कहां पाया जाता है, रूरल में अर्बन में दोनों जगह पर, कहीं नहीं। तो रूरल में दोनों तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, सीजनल भी और डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी। अब डिसगाइज समझिए कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है जहां पर जितनी ज्यादा जरूरत है, मान लीजिए कि 8 लोगों की मतलब वहां पर किसी काम में जरूरत है और 15 लोग मिलकर के काम कर रहे हैं उसी 8 लोगों के काम को, तो यहां पर देखिए कि लोग का जो मतलब जो है उसमें काम करने वाले जो है वो ज्यादा है और जो इनकम है वो 8 लोगों की इनकम के बराबर है, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 15 में, जिसकी वजह से इनकम सब लोगों का अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो वो कम हो जाएगा। तो ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट लगता है कि हमें नौकरी है, लगता है कि हमारे पास काम है, लेकिन उस हिसाब से जितनी इनकम होनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाता है। ठीक, तो उसको अगर हम लोग कह डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल अपीयर टू बी एम्प्लॉयड, उनको लगता है कि वो एम्प्लॉयड है और इन्वॉल्व इन अ जॉब, मतलब उनको लगता है कि मैं जॉब में हूं, लेकिन इफ 4 पीपल गेट द वर्क डन इन द फील्ड एडिंग 3 मोर टू इट वुड नॉट क्रिएट अ डिफरेंट इंपैक्ट। मान लीजिए 4 लोगों के खेत में जरूरत है और 3 लोग मतलब एक्स्ट्रा उनके साथ काम कर रहे हैं, तो वो ज्यादा कोई इनकम जनरेट नहीं कर लेंगे, क्योंकि वो तो 4 लोगों का काम था ना, 7 लोगों के मिलकर किया, तो अब वो इनकम 7 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जिससे इंडिविजुअल इनकम में कमी आ जाएगी। इफ दीज एक्स्ट्रा 3 आर रिमूव्ड इट वुड नॉट हार्म द प्रोडक्टिविटी, अगर इन 3 लोगों को हम वहां पे काम नहीं दे तो उससे प्रोडक्टिविटी में कोई नुकसान नहीं होगा। आप देखते होंगे बहुत बार कि जब कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस आता है तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज वाले जो है अपने वर्कर्स की कटौती करने लगते हैं। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्या मतलब उनसे क्या काम कम हो जाता है या फिर मतलब उनसे उनका नुकसान होता है, तो वो पहले जो काम मान लीजिए कि 10 वर्कर मिलकर के उस कंपनी में कर रहे थे, अब वो हटा करके 7 वर्कर कर देगा, मतलब 3 लोगों को हटा देगा ताकि जो सैलरी है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इस तरीके से जो काम है वो लोड तो इन 3 पर बढ़ेगा, और ज्यादातर प्राइवेट सेक्टर में इस तरीके का काम होता है। आप लोग जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा है, लोग डर से अपनी नौकरी को बचाने के लिए चाहे जितना भी काम हो प्राइवेट सेक्टर में उनको करने के लिए राजी हो जाते हैं। ठीक, तो इस वजह से उनका फायदा फिर मतलब कंपनी वाले जो है उठाते भी हैं और उठा ही रहे हैं, तो इस तरीके से ये चल रहा है। तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में लोग जितने ज्यादा जरूरत होते हैं उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। अब बात करते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। शहर में क्या है कि लोग पढ़े लिखे हैं उसके बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये क्यों होता है, एजुकेटेड इंडिविजुअल इज नॉट एबल टू फाइंड अ जॉब, तब उसे हम लोग कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट्स इन द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो मैन पावर रिसोर्स होता है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अभी भारत में सबसे ज्यादा, अभी हमने आप लोगों को बताया वर्किंग एज पॉपुलेशन है, तो इसका मतलब है कि इंडिया में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए, सबसे ज्यादा इकोनॉमिक बूस्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? और ऐसा नहीं हो रहा है तो उसका इन्वर्स क्या हो रहा है? तो मैन पावर जो रिसोर्स है हमारा वो वेस्ट हो रहा है, वो बेकार हो रहा है, तो उससे मतलब जो है वो वापस नहीं आएगा और उससे भारत का और नुकसान होगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट बिकम अ लायबिलिटी ऑन द सोसाइटी। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो उनके ऊपर बोझ बन जाते हैं। उसके बाद इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक ओवरलोड। जब अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो ओवरलोड बढ़ जाता है। जो वर्किंग, मान लीजिए कि एक घर में, एक फैमिली में दो लोग कमाने वाले हैं और 10 लोग खाने वाले हैं, ठीक। तो ये जो वर्किंग लोड, अगर मान लीजिए कि इस फैमिली में पहले 4 लोग मतलब कमाने वाले थे, दो लोगों की नौकरी चली गई, अब दो लोग के ऊपर ही तो सारी फैमिली का मतलब बर्डन आ गया। तो लोग जब अनएम्प्लॉयड होते हैं तो बर्डन जो एम्प्लॉयड होते हैं उनके ऊपर आ जाता है और उसकी वजह से फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। अब इन इंडिया, इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर जो है सबसे ज्यादा मतलब लेबर को मतलब जो है आपके यूज करता है। अगर देखा जाए तो इंडिया में सबसे ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है। मोर देन 50% पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पर्पस। अगर सेकेंडरी सेक्टर में बात करें तो यहां पर मैक्सिमम लेबर इज एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। यहां पर भी ज्यादातर जो लेबर है वो कहां काम कर रहे हैं? तो आपके स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं। टर्शियरी सेक्टर में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर मतलब जो है बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारे फील्ड में मतलब बहुत सारे लोग जो है इन्वॉल्व होते हैं। नाउ वी विल स्विच ओवर टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज नोन एज द पॉवर्टी एज अ चैलेंजेस। अभी हम लोग ने वहां पर सेकंड चैप्टर में भी पॉवर्टी का डिस्कस किया कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या करता है, तो वो गरीबी को बढ़ाता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर हम लोग शुरू करते हैं पॉवर्टी क्या होता है। तो पॉवर्टी रिफर्स टू स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल इज अनेबल टू फुलफिल इवन द बेसिक नेसेसिटीज। मतलब हर कोई आदमी जब अपनी जो मुख्य आधारभूत जो जरूरत है उसको भी अगर पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसे हम लोग पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा एक्यूट सिचुएशन जहां पर उसकी बेसिक नेसेसिटीज जो आपके खाना है, पानी है, घर है, कपड़ा है, रोटी है, ये सारी चीजें आपको अगर नहीं मिल पा रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग पॉवर्टी कहते हैं। लेकिन पॉवर्टी में बहुत सारी चीजें हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। वो क्या है? पॉवर्टी मींस हंगर, लैक ऑफ शेल्टर, लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज, लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल। तो ये सारे सिचुएशन जो है वो किसके है? वो पॉवर्टी के सारे सिचुएशन है। पॉवर्टी का मतलब ऐसा सिचुएशन जहां पे आपको अच्छा खाना खाने को ना मिले, अच्छा मतलब पानी, साफ पानी पीने को ना मिले, आपके पास मतलब क्लीन इन्वायरमेंट ना हो, आपके पास रेगुलर जॉब ना हो, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग पॉवर्टी के नाम से जानते हैं। अगर दुनिया में देखें तो इंडिया के कंपेरेटिव, इंडिया में हर मतलब जो है 4 लोगों में एक लोग गरीब है। इन इंडिया एवरी 4 पर्सन इज पुअर। मतलब हर 4 में एक लोग जो है वो गरीब है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि इंडिया में कितने लोगों पे कितने लोग गरीब हैं? 4 लोगों पे एक लोग गरीब है। इसका मतलब है कि हमारे देश में लगभग कितने परसेंट गरीबी है? 25%, अगर हम इस रेशियो से निकालने की कोशिश करें। लेकिन एक्चुअल डेटा जो है वो 21.9% है, दैट इज 22%, ठीक, एवरेज जो है इंडिया का 2011 मतलब जो है 12 के हिसाब से। तो पॉवर्टी इज कंसिडर्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ एनी कंट्री और एज वेल एज इन इंडिया। इंडिया में भी और अदर कंट्रीज में भी पॉवर्टी बहुत बड़ा चैलेंज है, चाहे हम अफ्रीका की बात करें, चाहे हम लोग मतलब इंडिया की बात करें। हालांकि ये जो पॉवर्टी है इसका जो लेवल है वो कंट्री टू कंट्री वैरी भी करता है और प्लेस टू प्लेस भी वैरी करता है, पर्सन टू पर्सन भी वैरी करता है। तो पॉवर्टी इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस। अब इन चैलेंजेस को हम लोग कैसे दूर करेंगे वो देखते हैं। अब पॉवर्टी सोशल साइंटिस्ट की निगाह से देखते हैं हम लोग कि पॉवर्टी क्या होता है। अभी हम लोगों ने वहां पर देखा खाना पीना, साफ इन्वायरमेंट, इन्हीं सारी चीजों को उन लोगों ने पॉवर्टी का। लेकिन इन्होंने 2 इंडिकेटर्स और ऐड कर दिए जो हेल्थ और एजुकेशन का था कि अगर किसी को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, अगर उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, वो अच्छे अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन को भी हम लोग पॉवर्टी का नाम दे सकते हैं। तो सोशल साइंटिस्ट look at the poverty through a variety of indicators. Usually the indicators are used to relate the level of income and consumption. Income aur consumption ko unhone link karne ki koshish ki, but now the poverty is looked through the other social indicators like the literacy level.
and the lack of general resistance due to the malnutrition, lack of health care facilities, lack of opportunities, ये सारी चीजें, lack of access to the safe drinking water, ठीक, ये सारी चीजें जो है उन्होंने किस चीज का नाम दिया, सोशल साइंटिस्ट ने पॉवर्टी का नाम दिया. उसके बाद बात करते हैं, there are the two measures to determine the extent of poverty, कितने हद तक गरीबी मौजूद है. इसको दो तरीके से हम लोग पता लगा सकते हैं, एक होता है हमारा रिलेटिव पॉवर्टी, दूसरा होता है एब्सोल्यूट. अभी जो हमने बात की कि एक कंट्री दूसरे कंट्री की पॉवर्टी वेरी कर सकती है, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अगर मतलब जो है किसी के पास एक कार है तो वो गरीब है, लेकिन अगर हमारे देश में किसी के यहाँ कार है तो वो अमीर माना जाता है. तो उसी तरीके से पॉवर्टी जो है वो वेरी करती है. तो रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ पीपल इन द कंपैरिजन टू द अदर पीपल, एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच का जो कंपैरिजन होता है उसे हम रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं. मान लीजिए कि एक आदमी मतलब जो है वो बहुत अच्छा खाना पीना खा रहा है, अच्छे घर में रह रहा है, और दूसरा आदमी एक झोपड़ी में रह रहा है, तो उसको उसके कंपैरेटिव क्या हो गया, वो गरीब हो गया, ठीक, जो झोपड़ी में रह रहा है. तो रिलेटिव पॉवर्टी जो है ये पॉवर्टी पीपल इन द कंपैरिजन टू द अदर पीपल रीजन और नेशन, एक नेशन एक रीजन से जो कंपैरिजन होता है उसे हम लोग रिलेटिव करते हैं. रिलेटिव व्हेन वी कंपेयर द इनकम ऑफ डिफरेंट पीपल एंड वी फाइंड दैट सम पीपल आर द पुअरर देन द अदर. हम लोग बात करते हैं कि एक रिक्शे वाले की इनकम जो है मान लीजिए 10,000 रुपया पर मंथ है, ठीक है, और उसी के कंपेरेटिव एक टीचर की इनकम जो है 40,000 रुपया पर मंथ है, ठीक. तो इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि रिलेटिवली जो रिक्शा वाला है वो गरीब है एज कंपेयर टू द टीचर. तो यहां पर ये किस तरीके का मतलब जो है आपके गरीबी हुई, तो ये इस तरीके की आपके रिलेटिव पॉवर्टी हुई, मतलब कि आप इसको रिलेट कर रहे हैं. तो रिलेटिव पॉवर्टी एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच भी हो सकता है, एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच भी हो सकता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के बीच भी हो सकता है. तो रिलेटिव पॉवर्टी को हम मतलब इस तरीके से मेजर कर सकते हैं. दूसरा है हमारा एब्सोल्यूट पॉवर्टी. एब्सोल्यूट पॉवर्टी रिवर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन. लाइन का मतलब क्या होता है कि आपने एक डिमार्केशन कर दिया कि 50 रुपये रोज कमाने वाले ऊपर जो लोग हैं वो अमीर हैं, 50 रुपये नीचे से जो लोग कम कमाते हैं वो गरीब हैं. जैसे हम लोग इंटीजर्स में करते हैं कि 0 से इधर वाले सारे नंबर पॉजिटिव हैं और 0 से मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले सारे नंबर नेगेटिव हैं, उसी तरीके से पॉवर्टी में भी एक नंबर लाइन होता है. अभी बाद में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे पॉवर्टी लाइन क्या होता है. तो पॉवर्टी लाइन में क्या होता है, एक लाइन हम डिमार्केट कर देते हैं कि इतने से ज्यादा कमाने वाले लोग जो है वो अमीर है, इससे कम कमाने वाले लोग गरीब है. तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी रिफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, और एब्सोल्यूट पॉवर्टी रिफर्स टू द सस्टेन या सिचुएशन व्हेन अ पर्सन फेल टू रीच द मिनिमम कंजम्पशन. ऐसा सिचुएशन, ऐसा एक्यूट सिचुएशन जहां पर लोग अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज है उसको पूरा नहीं कर पा रहा है और उसको पूरा करने में सक्षम नहीं है, ऐसे कंडीशन को हम लोग एब्सोल्यूट पॉवर्टी के नाम से जानते हैं. अब आते हैं पॉवर्टी लाइन. पॉवर्टी लाइन अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, लाइन लाइन का मतलब क्या होता है, डिमार्केशन, ठीक है, मतलब कि आपने एक लाइन खींच दी, कहा कि इसके उधर का एरिया उसका, इसके इधर का एरिया मेरा, ठीक. तो उसी तरीके से पॉवर्टी की भी लाइन होती है. तो पॉवर्टी लाइन इज अ मेथड टू मेजर द पॉवर्टी बेस्ड ऑन द इनकम. इनकम के बेसिस पर जब हम पॉवर्टी को डिवाइड करते हैं तब वहां पर हमें लाइन की जरूरत होती है. अभी जो हमने बताया कि 50 रुपये से ऊपर अमीर, 50 रुपये से नीचे गरीब, तो ये जो 50 रुपया ये एक डिमार्केशन लाइन है जहां से आप उसको कट कर रहे हैं. उसी तरीके से द करंट ऑफिशियल मेजर्स ऑफ पॉवर्टी आर बेस्ड ऑन द तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन. ये जो अभी इंडिया भारत में इस्तेमाल हो रहा है तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, पॉवर्टी डिफाइन करने के लिए. और भारत में जो लोग मतलब गांव में रहते हैं और वो लोग 27.2 मतलब 27 रुपया कमा ले रहे हैं पर डे, तो उनको मतलब जो है उससे ज्यादा अगर कमा रहे हैं तो वो ठीक है, गरीब नहीं है. उससे कम अगर पर डे कमा रहे हैं तो वो गरीब है. तो उसी बात अगर उसी को हम अर्बन एरिया में देखें, अगर कोई 33 रुपये पर डे कमा ले रहा है, ठीक, या फिर मान लीजिए कि उसके घर में 10 लोग हैं, अगर सब लोगों पर 33 रुपया मतलब वो खर्च कर रहा है, तो वो 33 रुपया जो है आपको अगर वो उससे ज्यादा कर ले रहा है, 33 से ज्यादा कर ले रहा है, तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा. लेकिन अगर हर इंसान पर 33 रुपये से कम खर्च हो रहा है तो इसका मतलब है कि वो गरीब है. तो उसी तरीके से अगर गांव में आप रह रहे हैं, 27 रुपये से कम एक आदमी पर अगर खर्च हो रहा है पर डे, तो आपको गरीब माना जाएगा. अगर 27 रुपये से आप ज्यादा कर रहे हैं तो आप नॉर्मल हैं. अगर शहर में 33 रुपये से आप मतलब ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो आप नॉर्मल हैं, अगर 33 से कम कर रहे हैं तो आप गरीब हैं. तो इस तरीके से रूरल पॉवर्टी. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हुआ यहां पर, किस
मतलब जो है अभी किस बेस पर जो है हमारा जो पॉवर्टी लाइन है वो मतलब जो है वो डिमार्केट हो रहा है, तो तेंदुलकर पॉवर्टी लाइन से डिमार्केट हो रहा है। इन इंडिया पॉवर्टी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिजायर्ड कैलोरी रिक्वायरमेंट। हमारे देश में कैलोरी रिक्वायरमेंट, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है, इन दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा। मतलब कैलोरी के हिसाब से गांव और मतलब जो है आपके शहर, इन दोनों के डिफरेंसेस को वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अगर शहर में रहने वाले लोग अगर 2100 कैलोरी से कम कंजम्पशन कर रहे हैं पर डे, तो उसे गरीब माना जाएगा। गांव में जो मिनिमम कैलोरी इंटेक है वो है 2400। यहां पर देखिए, गांव वाले को ज्यादा कैलोरी की जरूरत है, शहर वाले को कम कैलोरी की जरूरत है। ऐसा क्यों? क्योंकि गांव वाले दे परफॉर्म मोर फिजिकल एक्टिविटीज देन द अर्बन एरिया, शहर के लोगों से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए उनको ज्यादा कैलोरीज की जरूरत है। तो गांव में 2400 कैलोरी पर डे अगर लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो उसे मतलब जो है आपको गरीब नहीं माना जाएगा। शहर में अगर 2100 कैलोरी आप पर डे इंटेक कर रहे हैं तो आपको गरीब नहीं माना जाएगा। तो क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जाता है, द एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन अर्बन एरिया इज डैश, तो कितना परसेंट होता है? तो 2100, और रूरल एरिया में कितना होता है? 2400। तो इस तरीके से पर पर्सन पर डे अर्बन एरिया की कैलोरी है 2100, पर पर्सन पर डे कैलोरी है रूरल एरिया में 2400। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, इसलिए इनको याद रखना बहुत जरूरी है। दूसरा इनमें से क्वेश्चन आता है, जो पॉवर्टी लाइन है इट इज एस्टिमेटेड नॉर्मली एवरी 5 ईयर्स बाय द कंडक्टिंग सैंपल सर्वे बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है, NSSO का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा कि NSSO जो है वो कौन आइडेंटिफाई करता है पॉवर्टी लाइन, तो NSSO करता है, बट प्लानिंग कमीशन फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन। प्लानिंग कमीशन जो है वो फिक्स करती है। डेटा कौन एक्वायर करता है? नेशनल सैंपल सर्वे, लेकिन फिक्स कौन करता है? प्लानिंग कमीशन। ये 1962 से ही ये चलता हुआ रहा, ये अलग मतलब जो है प्लानिंग कमीशन में एक बॉडी बनी जिसका काम था ये मतलब जो है करना कि जो पॉवर्टी लाइन है उसको डिमार्केट करना काम था इनका। तो यहां पर दो क्वेश्चन आपका बना, पहला क्वेश्चन बना कि जो हमारा पॉवर्टी लाइन उसको कौन एस्टिमेट करती है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा, पॉवर्टी लाइन फिक्स कौन करती है, तो प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन जो है वो करती है, लेकिन इसका नाम अब चेंज होकर के हो गया है नीति आयोग। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, नीति आयोग, नीति का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब उसी के बाद आते हैं हम लोग पॉवर्टी एस्टिमेट्स। इन इंडिया देयर इज सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन पॉवर्टी, हमारे देश में गरीबी जो है बहुत तेजी से घटी है। अगर देखा जाए पहले 45% हमारी पॉवर्टी थी 93 का अगर हम लोग बात करें, और मतलब जो है फिर वो घट करके मतलब जो है आपके 1993-94 में 37.2% हो गया, और 2000-2005 में मतलब जो है, तो इस तरीके से पॉवर्टी हमारे देश में घट रही है। तो 1993 अगर 94 की हम लोग बात करें तो इस टाइम भारत की पॉवर्टी थी 45%, ठीक। दूसरे हम लोग अगर बात करें 2004 और 5 की, तो इस टाइम पॉवर्टी थी भारत की 37.2%। और अभी की अगर हम लोग बात करें, प्रेजेंट सिचुएशन की हम लोग बात करें, 2011-12 की हम लोग अगर बात करें, तो इस टाइम भारत की जो है वो लगभग 22% के करीब जो है भारत की पॉवर्टी है। इसके बाद का डेटा जो है अभी तक उतना आया नहीं है, मतलब जो है कि कितना परसेंट पॉवर्टी जो है वो भारत में एग्जिस्ट कर रहा है। तो एवरेज पॉवर्टी जो है वो भारत की कितनी परसेंट है अभी के हिसाब से अगर हम दिन लोग देखें तो 22%, लगभग 22%। उसके बाद बात करते हैं हम वल्नरेबल ग्रुप। वल्नरेबल ग्रुप क्या है? ऐसा सोशल ग्रुप जो कि सबसे ज्यादा मतलब इफेक्ट होता है उनको पॉवर्टी से, वो कौन है? तो ऐसे ग्रुप शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, ठीक है, मुस्लिम्स हैं, ठीक है, ये सब लोग जो है वल्नरेबल ग्रुप हैं। और इसमें क्योंकि ये लोग मतलब जो है उतना ज्यादा इनके पास कोई फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होता है, तो शेड्यूल कास्ट, रूरल पीपल, रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स, अर्बन कैजुअल लेबर्स, हाउस होल्ड लेबर्स, ये सारे लोग जो है वो आपके वल्नरेबल ग्रुप्स में आ जाते हैं। अब हम लोग पॉवर्टी की थोड़ी सी बात कर लें। हमने कहा कि 21.92% जो है भारत, लगभग 22% भारत में पॉवर्टी है, और मतलब ये एवरेज है, एवरेज पॉवर्टी ऑफ इंडिया। अगर हम स्टेट्स वाइज की बात करें तो स्टेट में पॉवर्टी का रेशियो बिल्कुल डिफरेंट है, और हर एक स्टेट से दूसरे स्टेट की पॉवर्टी जो है वो वेरी करती है। इसलिए इसका हेडिंग है इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज, कि क्या वेरिएशन है भारत में इंटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट का। तो छत्तीसगढ़ की अगर हम लोग बात करें,
तो ये इंडिया में सबसे ज्यादा पॉवर्टी छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद झारखंड में है, उसके बाद मणिपुर में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है और उसके बाद बिहार और उड़ीसा का नंबर आता है। अगर इसके बाद हम लोग मतलब अच्छे कंडीशन की बात करें कि सबसे कम पॉवर्टी कहां है, तो सबसे कम पॉवर्टी जो है वो गोवा में है, लगभग मतलब 6% के करीब, मतलब 6% के करीब है, लगभग 6% के करीब गोवा में है। उसके बाद केरल में मतलब जो है 8% के करीब है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, 8 point something, और सिक्किम में। तो ये सब अंडर 10 में आते हैं, मतलब इनका जो आपके पॉवर्टी रेशियो है वो 10% से कम है भारत में अगर हम लोग देखा जाए तो। ये सब बहुत अच्छे स्टेट अगर देखा जाए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग अर्बन पॉवर्टी। अर्बन पॉवर्टी हमने कहा था कि बिहार उड़ीसा इन सब जगहों में पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम उड़ीसा की बात करें तो यहां पर उड़ीसा बिहार मध्य प्रदेश इन सब में अर्बन पॉवर्टी भी ज्यादा है, मतलब शहरी जो पॉवर्टी है कि पढ़े लिखे लोग यहां पर बेरोजगार हैं, ठीक। उसके बाद पंजाब हरियाणा हैव द ट्रेडिशनली सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग द पॉवर्टी विद द हेल्प ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट्स। एग्रीकल्चर जो है इनका मेन हथियार बना, क्योंकि 1965-66 में मतलब जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का इन्वेंशन हुआ भारत में, जिसकी वजह से पंजाब और हरियाणा को उससे बहुत ज्यादा फायदा मिला और इसकी वजह से इनका जो डेवलपमेंट है वो हुआ। तो अभी हम लोग देखते हैं कि पंजाब जो है वो मतलब 9% मतलब वहां की जो पॉवर्टी है वो है, अगर हरियाणा की हम लोग बात करें लगभग वहां पर 12% की पॉवर्टी है। तो इस तरीके से पॉवर्टी जो है वो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की वजह से पंजाब हरियाणा वगैरह के जो स्टेट्स है वो उन्होंने अपने आप को डेवलप किया, जिसकी वजह से उनकी पॉवर्टी कम हो गई। उसी तरीके से केरल ने अपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया और इन्होंने एजुकेशन के ऊपर, इन्होंने हेल्थ के ऊपर, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिया। आप अगर देखेंगे इंडिया में सबसे ज्यादा लिटरेट लोग जो है केरल में पाए जाते हैं, चाहे वो मेल की लिटरेसी हो चाहे वो फीमेल की लिटरेसी हो, दोनों में केरल जो है वो बहुत अच्छा रैंक है इनका। दूसरी अगर हम लोग बात करें कि उसी तरीके से जो दूसरे इंडिकेटर्स है जैसे हेल्थ की हम लोग बात करते हैं, तो यहां पर IMR भी सबसे कम है, मतलब इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट जो है केरल का इंडिया में सबसे कम है, कि जो लोग एक साल से कम के उम्र के बच्चे लोग मरते हैं उनकी तादाद केरल में सबसे कम है भारत के राज्यों में। अलग स्टेट लोगों ने भी अपने अपने तरीके से कोशिश की, उसमें वेस्ट बंगाल आ जाता है, इन्होंने लैंड रिफॉर्म्स की मदद से मतलब जो है वहां पर पॉवर्टी को रिड्यूस करने की कोशिश की। उसी तरीके से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने PDS को डेवलप किया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब जो मिड डे मील स्कीम्स हैं या फिर मतलब लोगों को अन्नपूर्णा योजना जो है वो प्रोवाइड किया, ताकि लोगों के अंदर जो भूखमरी का सिचुएशन है, स्टार्वेशन का सिचुएशन है, उनको दूर कर सके। अब हम लोग बात करते हैं ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। अभी तो हम लोग ने देश के बारे में देखा कि इंडिया में कैसे पॉवर्टी वैरी कर रहा है स्टेट टू स्टेट, ठीक। उसी तरीके से अगर वर्ल्ड के अगर हम लोग देखें लिहाज से, चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है इन्होंने पॉवर्टी को बहुत हद तक कम किया और इन्होंने अपना जो डेवलपमेंट है उसकी वजह से अपने मतलब पॉवर्टी को कंट्रोल कर लिया। लेकिन उसी हिसाब से अगर हम सहारा की बात करें, सब सहारा की बात करें, तो वहां पर उतने तेजी से पॉवर्टी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। 51% 2005 में पॉवर्टी थी और अभी 2015 में मतलब 10 साल के बाद जो अगर हम लोग देखें तो 41% पॉवर्टी अभी भी वहां पर मौजूद है। लैटिन अमेरिका के हम लोग बात करें, वहां पर भी पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन हुआ है और 10% मतलब जो है 2005 मतलब था और 4% जो है वो अब 2015 में हो गया। तो इस तरीके से पॉवर्टी जो है वो कम हो रही है हर देश की, लेकिन हमारे देश में 2010, 2011, 2012 के बाद से अगर कहें तो पॉवर्टी का जो डेटा है वो अभी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाया कि कितना कम हुआ है कितना ज्यादा हुआ है। लेकिन अरुण जेटली साहब जब थे, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे देश की जो मतलब पॉवर्टी है वो कम हो जाएगी और 17% जो है वो पहुंच जाएगी, ठीक है। अभी कोई डेटा ऑफिशियली आया नहीं है। अब कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्या रीजन है कि हमारा देश जो है वो गरीब है और हमारे देश की पॉवर्टी खत्म नहीं हो रही है। पहला तो हमारा जो पॉलिटिकल सिचुएशन की अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो देश था वो कॉलोनी था वो ब्रिटेन का, और उसने बहुत ज्यादा हमारे देश को एक्सप्लॉइट किया और हमारे देश के वर्कर्स को अनएम्प्लॉयड किया और अपने सामान को और अपने वर्कर्स को मतलब ज्यादातर वो इनकम और मुनाफा देते थे, जिसकी वजह से इंडिया की पॉवर्टी वहां से भी निकल करके आती थी। इंडिया हैड अ लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश पीरियड। दूसरा आता है हमारा अनदर फ्यूचर ऑफ द हाई पॉवर्टी रेट्स हैज बीन
ह्यूज इनकम इनइक्वलिटीज। हमारे देश में जो रिच और पुअर के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा है। हमारे देश में अगर अमीर लोग हैं तो वो बहुत अमीर है, टाटा बिरला अंबानी अडानी बहुत अमीर है, और जो गरीब है वो बहुत गरीब है। तो गैप जो है रिच और पुअर का वो इतना ज्यादा है कि वो गैप फुलफिल नहीं हो पा रहा है, और इसकी वजह से मतलब जो है जो इनकम इनइक्वलिटीज है उनकी वजह से हमारे सोसाइटीज में बहुत ज्यादा पॉवर्टी। हम लोगों ने एक कहावत सुनी थी बचपन में कि बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को कंज्यूम कर जाती है, तो उसी तरीके से मतलब यहां पर है कि सारे इनकम जो है वो बड़े लोगों के पास है, छोटे लोगों के पास बहुत कम इनकम है, इस वजह से जो इकोनॉमिक गैप है वो बहुत ज्यादा है। दूसरा हम लोग बात करें स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे हमारे देश में छोटे किसान की तादाद ज्यादा है। स्मॉल फार्मर्स किसे कहते हैं, तो दोज फार्मर्स विच हैव लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इज नोन एज स्मॉल फार्मर्स। जिस किसान के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन होती है उसे हम लोग स्मॉल फार्मर कहते हैं। लार्ज और मीडियम फार्मर उन्हें कहा जाता है जिसके पास 2 या 2 से ज्यादा हेक्टेयर जमीन मौजूद होती है, उन्हें हम लोग इस मीडियम और लार्ज फार्मर कहते हैं। तो हमारे देश में स्मॉल फार्मर्स की तादाद ज्यादा है और दे डोंट हैव कैपिटल, उनके पास कैपिटल नहीं होता है खेती बाड़ी करने के लिए। तो ये भी एक मतलब जो है आपके एक मतलब सिचुएशन है जिसकी वजह से जो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है और उसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ रही है। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये भी एक मतलब जो है आपका, हमारे देश में हम लोग जानते हैं कि सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा मतलब जो है वर्किंग एज पॉपुलेशन इंडिया में है, और इस वजह से हमारे देश में मतलब जो है जो आबादी है काम करने वाले लोगों की ज्यादा है और जो मतलब एबिलिटी है जॉब वो बहुत कम है, जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो डेवलप हो रहा है और बर्डन जो है वो बढ़ रहा है एम्प्लॉयड लोगों के ऊपर। इन्फ्लेशन ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, मतलब चीजों के दाम जो है वो बढ़ गए और सामान जो है वो घट गया। मान लीजिए कि बचपन में आप मतलब एक पेन जो है 5 रुपए का खरीदते थे, अब वही पेन आपको 10 रुपए में मिलेगा, प्रोडक्ट एक ही है लेकिन प्राइस इंक्रीज हो गया है। चलिए आप लोग जो जो पॉइंट्स मैंने नोट कराए हैं, ठीक है, अंडरलाइन किया है, उसको अभी मतलब समराइज कर लीजिए, ठीक। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द एंटी पॉवर्टी मेजर्स। हम लोगों ने अभी तो पॉवर्टी देखा कि किस तरीके से हमारे देश में पॉवर्टी है और क्या क्या रीजंस हैं पॉवर्टी के। अब हम लोग समझेंगे यहाँ पर एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या है। हमारी सरकार ने कुछ स्टेप्स लिया ताकि पॉवर्टी को मतलब जो है कम किया जा सके, और उनमें मतलब जो है वो जो स्कीम्स चलाए उनको 2 तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तो है हमारा प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एसेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, रिडक्शन इन इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम, इन सारी चीज़ों को, पॉपुलेशन कंट्रोल ताकि हम आबादी को कम कर सके, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की तरफ ध्यान दिया, लैंड रिफॉर्म्स की तरफ ध्यान दिया, ये सारे हो जाएंगे प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा एसेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना। दूसरा रिड्यूसिंग द इनइक्वलिटीज, इनइक्वलिटीज जो था हमने बताया रिच और पुअर के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है उसको कम किया गया, पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो मतलब कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, लैंड रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं हम लोग टारगेटेड एंटी पॉवर्टी, मतलब टारगेट करके ताकि इस सेक्टर की जो पॉवर्टी है या इस चीज से जो पॉवर्टी हो रही है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो सिंस द 80s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। तो हम लोग अगर बात करें कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अपने आप ही पॉवर्टी को खत्म कर देता है, तो अगर आप इकोनॉमिक ग्रोथ करेंगे तो वो अपने आप ही इकोनॉमिक को मतलब जो हमारी पॉवर्टी है, इकोनॉमिक ग्रोथ जब होगा तो पॉवर्टी अपने आप ही गायब हो जाएगी। तो उसमें कुछ स्कीम्स भारत में चलाए गए जिसमें आ जाता है हमारा मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और इसका पहले पुराना नाम था नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब 2005 में इसको मतलब कानून बनाया गया जिसके तहत 100 लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से रोजगार मिलेगा, और ये इसलिए किया गया ताकि गांव में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको बदल करके एम्प्लॉयमेंट में बदला जाए और जो पॉवर्टी है उसको कुछ हद तक कम किया जाए। तो ये बहुत बड़ा मतलब जो है अभी कदम साबित हुआ कांग्रेस के दौर में, इसको मतलब इनिशिएट किया गया। अब अभी हम लोग जानते हैं लॉकडाउन, ड्यूरिंग द लॉकडाउन टाइम ये बहुत ज्यादा गांव के लोगों को मदद कर रहा है, ये जॉब प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, मतलब इनकम जो है वो फैसिलिट कर रहा है इस तरीके से। ये इसमें से क्या क्वेश्चन बनता है कि ये एक्ट कब पास हुआ, पहला तो ये। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया कि इसमें कितने दिन का रोजगार दिया जाता है, तो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है यहां पर, और ये किसके लिए होता है, तो ये गांव के लोगों के लाइवलीहुड सिक्योरिटी के लिए ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया ताकि थोड़ा बहुत लोगों को इनकम हो जाए और उससे वो रूखी सोखी कम से कम अपने गांव में रह करके खा सके। इनका मेन एम था सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
द डेवलपमेंट फॉर द फ्यूचर एज वेल एज फॉर द प्रेजेंट, ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट को भी बनाएगा और फ्यूचर को भी मतलब स्ट्रांग करेगा। इस तरीके से जब सिचुएशन कभी ऐसा इस तरीके का डेवलप हो जाए, ड्राउट आ जाए या डिफॉरेस्टेशन या सॉइल इरोजन, इन सारी चीजों को मतलब जो है कंट्रोल करने में भी ये मदद करेगा हमारा जो नरेगा है। 1/3 ऑफ द प्रपोज्ड जॉब हैव बीन रिजर्व फॉर द वुमेन, ये तीसरा क्वेश्चन बन गया कि कितने प्रतिशत जॉब जो है वो नरेगा में औरतों के लिए रखा गया है रिजर्व। तो 1/3 जॉब जो है वहां पर औरतों के लिए रिजर्व किया गया है। अब बात करें इन 1993 द प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना का मेन मकसद था द प्रोग्राम टू क्रिएट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ इन द रूरल एज वेल एज इन द स्मॉल टाउन्स, मतलब रूरल और स्मॉल टाउन्स में जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको सेल्फ एम्प्लॉयड करना, उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ये इनका मतलब था। तो क्वेश्चन यहां पे क्या बना कि कब जो PMRY योजना जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू किया गया, तो 1993 में किया गया। किसके लिए किया गया, तो रूरल जो पढ़े लिखे गांव के लोग हैं और स्मॉल टाउन मतलब छोटे शहर के लोग हैं उनके लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए ये रोजगार जो है वो शुरू किया गया। उसके बाद है इन 1995 रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम वॉज लॉन्च और इसका मेन मकसद था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द रूरल एज वेल एज सेम एज इट इज जो आपके मतलब जो है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना में था वही यहां पर भी रखा गया रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में, ताकि गांव के लोगों को जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको जॉब जो है वो प्रोवाइड किया जाए और उनको सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो किया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से इसमें मदद दी जाती थी इकोनॉमिकली, ताकि वो नई अपनी कुछ मतलब जो है चीजें वो डेवलप कर सके। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है वो 15 अगस्त 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि जो लोग गरीब हैं, पुअर हाउस होल्ड, जो लोग बूढ़े लोग हैं, जो लोग के पेरेंट्स जो है वो बूढ़े हो चुके हैं, उनके बच्चे नहीं हैं, या फिर जो लोग मतलब जो है आपके उनका जो इनकम है वो कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत मदद किया जाता है। और उसके अंदर तीन चीजें आती हैं, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इसमें जो लोग 65 साल से ऊपर है उनको गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन दी जाती है। दूसरा है नेशनल फैमिली बेनिफिट्स स्कीम, तीसरा है नेशनल बेनिफिट्स स्कीम। तो ये सारे स्कीम्स जो हैं वो किसके अंदर आ जाते हैं, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। क्वेश्चन डायरेक्टली ये पूछा जाएगा नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो है वो कब लॉन्च किया गया और इनके अंदर किन किन लोगों को मदद प्रोवाइड की जाती है सरकार की तरफ से। हमारा नेक्स्ट है 1 अप्रैल 1999 में एक मतलब जो है प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम, ग्राम का मतलब गांव, तो जाहिर सी बात है कि ये किसके लिए है, गांव के लोगों के लिए है। वाज लॉन्च दिस प्रोग्राम एट द बिगनिंग ऑफ असिस्टेड पुअर फैमिलीज एंड अबव द पॉवर्टी लाइन, जो लोग गरीब हैं, जो लोग मतलब पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट हेल्प करेगी, ताकि वो लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो बना सके और उनसे मतलब जो है उनको बैंक जो है वो आपको क्रेडिट देगी, पैसा देगी और उनको मदद देगी, ताकि वो कुछ काम जो है वो अंजाम दे सके। उसके बाद है इन 2000 द प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना वॉज लॉन्च। तो प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना कब लॉन्च किया गया, 2000 ईस्वी में लॉन्च किया गया। इसका जो बेसिक मतलब सर्विसेज था फॉर द प्राइमरी, 5 चीजों में इसका था, यहां देखिए इन्वेस्टमेंट, तो प्राइमरी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना था, प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर, रूरल शेल्टर के ऊपर जिसे आवास योजना कहते हैं, रूरल ड्रिंकिंग वाटर के ऊपर और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर। तो ये बहुत ज्यादा मतलब जो है गांव के लिए ये वरदान साबित हुआ, क्योंकि इसमें हर जो बेसिक नेसेसिटीज है उनको इंक्लूड किया गया, ताकि लोगों तक ये बेसिक नेसेसिटीज पहुंचाया जाए। सबसे पहले तो बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज, शेल्टर, उसके बाद ड्रिंकिंग वाटर, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी। ये 5 चीज किसी भी आइडियल, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था स्टोरी ऑफ आलमपुर में, कि ये 5 चीजें वहां पर अवेलेबल थी, जिसकी वजह से उसे डेवलप विलेज का जो खिताब है वो मिला था रूरल विलेज को। अब हम लोग स्विच ओवर करते हैं हमारा लास्ट चैप्टर जो है 9th क्लास का ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का, दैट इज फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी क्या है, अभी हम लोग जानते हैं हमारे देश में इस तरीके का सिचुएशन है,
पहले भी इस तरीके के सिचुएशन आते रहते थे, लेकिन उस टाइम सिचुएशन थोड़ा अलग था। उस टाइम स्टार्वेशन किसकी वजह से होता था कि मान लीजिए फैमाइन आ गया कहीं पर, ड्राउट आ गया कहीं पर, तो वहां पर लोग जो है वो स्टोर करके रखते थे खाने को। और ऐसा मतलब एविडेंस पाया जाता है कि चाइना में पहले, बहुत पहले से मतलब लोग खाने को स्टोर करके रखते थे, ताकि मतलब अगर हमारा ऐसा कोई सिचुएशन नेचुरल डिजास्टर हो जाता है या फिर बायोलॉजिकल मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो उस दौरान हम उस ग्रेन्स का इस्तेमाल कर सकें। तो फूड सिक्योरिटी में क्या था, फूड सिक्योरिटी मींस अवेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड, अवेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फूड फॉर द बेसिक स्टफ एट ऑल टाइम्स, मतलब हर वक्त कम से कम खाने का सामान आपके पास मुहैया हो, उस सिचुएशन को हम लोग फूड सिक्योरिटी सिचुएशन कहते हैं। 1995 में WF मतलब वर्ल्ड फूड जो है ऑर्गेनाइजेशन ने, ये मतलब जो है FAO जिसे हम लोग कहते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने डेफिनेशन मतलब जो है दिया फूड सिक्योरिटी का। फूड सिक्योरिटी मींस एट इंडिविजुअल हाउस होल्ड रीजनल नेशनल ग्लोबल एग्जिस्ट व्हेन ऑल पीपल, सब लोग ऑल टाइम मतलब सब वक्त में हैव फिजिकल इकोनॉमिक एक्सेस टू द सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड टू मीट देयर डायट्री नीड्स एंड फूड प्रेफरेंस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। फूड सिक्योरिटी का मतलब उन्होंने ये बताया कि दुनिया में हर लेवल पर, चाहे वो हम लोग बात करें रीजनल लेवल पर, हाउस होल्ड लेवल पर, नेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर, सब लोगों के पास फिजिकली और इकोनॉमिकली एक्सेस होना चाहिए जो खाना है वो। और वो खाना कैसा होना चाहिए, साफ सुथरा खाना होना चाहिए, ये नहीं कि खाना खाने के बाद बीमार हो जाए। जैसे अभी गुजरात में बहुत सारे जगह पे नेता लोगों ने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया, उसमें बहुत अलग अलग तरीके के मतलब जो है कीड़े वगैरह निकलना शुरू हो गए, तो वो खाना खा लेंगे अगर लोग तो उससे भी वो लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो उसी तरीके से हमारे जो मतलब FAO ने जो डिफाइन किया मतलब डेफिनेशन फूड सिक्योरिटी का, उन्होंने कहा कि ऐसा खाना होना चाहिए जो सेफ होना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन भी होना चाहिए और लोगों के विल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जो है आपको पूरे मतलब महीने जो है वो सिर्फ रोटी खिलाया जाए, पूरे महीने चावल खिलाया जाए या पूरे महीने आलू खिलाया जाए, इस तरीके का नहीं। उनके चाहत के हिसाब से जो वो खाना चाहते हैं वो जब वो खा लेंगे तब उसको हम लोग कहेंगे फूड सिक्योरिटी, ठीक। तो उसी तरीके से तो फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि PDS का फुल फॉर्म क्या है, तो PDS का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद गवर्नमेंट विजिलेंस एक्शन टाइम, मतलब ये डिपेंड करता है फूड सिक्योरिटी PDS के ऊपर और गवर्नमेंट के मतलब फंक्शन के ऊपर कि वो किस तरीके से काम को अंजाम देती है। अब आ गया आपका नेक्स्ट फूड सिक्योरिटी के डायमेंशन। डायमेंशन मतलब फूड सिक्योरिटी किन किन चीजों पर टिका हुआ है, तो फूड सिक्योरिटी जो है यहां पर फूड सिक्योरिटी के पिलर्स हैं। मतलब पहला है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, खाना अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद है एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, खाना जो है एक्सेसिबल होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, मतलब खाना अफोर्डेबल होना चाहिए, आप इतना प्राइस होना चाहिए कि आप खरीद सके। तो अवेलेबिलिटी का मतलब कि सबसे पहले खाना आपके पास होना चाहिए। खाना दो तरीके से आपके पास हो सकता है, या तो आप पैदा करें या तो आप इंपोर्ट करें, इस तरीके से खाना आपके पास मौजूद होना चाहिए। दूसरा है एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी का मतलब कि फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन, मतलब सब लोग आसानी से उस खाने को खरीद सके। तीसरा है हमारा अफोर्डेबिलिटी, मतलब सबके पास पॉकेट में पैसा होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि वो उस फूड को खरीद सके। ये नहीं कि बहुत ज्यादा दाम है, अमीर लोग ही खरीद रहे हैं, गरीब लोग नहीं खरीद पा रहे, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग फूड सिक्योरिटी नहीं कहेंगे। तो इस तरीके से अफोर्डेबिलिटी जो, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। और एक और चौथा टर्म अब ऐड हो गया है, फूड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब कि आपके पास हर टाइम खाना जो है इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो अगर कभी प्रोडक्शन आपका कम हो या फेमाइन आ जाए या ड्राउट आ जाए तो वो प्रोडक्शन में कमी नहीं आनी चाहिए, तो स्टेबिलिटी भी आ जाता है फोर्थ चैप्टर। अब बात करते हैं हम लोग फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी जो है हमारे देश में, इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर द ऑल द पर्पस पर्सन, सब लोगों के लिए खाना हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए। ऑल पर्सन हैव द कैपेसिटी टू बाय, सब लोग जो है खाने को खरीद सके। और देयर इज नो बैरियर टू एक्सेस। अभी हमने कहा कि जो पैसा है, अफोर्डेबिलिटी है, वो डिपेंड करता है आपके गरीब और अमीर के ऊपर। गरीब लोग जो है वो नहीं खरीद पाएंगे, अमीर लोग खरीद पाएंगे अगर महंगा होगा तो इस तरीके का सिचुएशन नहीं होना चाहिए। Why we need the food security? हम लोगों को food security की जरूरत क्यों है? Food security के इसलिए हमें जरूरत है ताकि जो situation आता है हमारा starvation का, जो famine का situation आता है,
उस टाइम हम इन फूड का इस्तेमाल करके जो हंगर है, माल न्यूट्रिशन है, इन सारी चीजों को हम रिड्यूस कर सके। तो ये सारी चीजें, मतलब अब जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था 1943 में, तो एक फेमाइन आया था वहां पर बंगाल में, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता है कि बंगाल में फेमाइन कब आया था, तो 1943 में हुआ था। और उस टाइम इस फेमाइन की वजह से लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। कितने लाख लोग मारे गए? 30 लाख। अब ये बताइए कि ये 30 लाख लोग क्यों मरे? ड्यू टू द इनइक्वलिटी इन द फूड डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा कि लोगों के पास खाना अवेलेबल नहीं था, इसकी वजह से इन लोगों की मौत हुई। और ज्यादातर लोग कौन मरे? जो लोग मतलब इकोनॉमिकली इनएक्सेसिबल वाले थे, मतलब जो आपके किसान थे वो मारे गए, जो मतलब जो है आपके जो लोग डेली वेजर्स थे वो लोग मारे गए, वर्कर्स मारे गए, लेबर्स मारे गए, ये सारे लोग जो है वो ज्यादातर इनमें इनकी मौत हुई। अब बात करते हैं, हु आर फूड इनसिक्योर इन आवर कंट्री। हमारे देश में फूड इनसिक्योर हम किसे कहेंगे? तो हमारे देश में जितने भी मतलब चाहे SC हो, ST हो, OBC हो, विमेन्स हो, चाइल्ड्स हो, ये सब फूड इनसिक्योर जो है इनको कहा जाता है। हंगर क्या होता है? हंगर हैज अ क्रोनिक एंड द सीजनल मतलब डायमेंशन। हंगर जो है वो क्रोनिक और सीजनल दो तरीके के होते हैं। क्रोनिक हंगर कब कहेंगे? क्रोनिक हंगर इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट परसिस्टिलिटी इन एडिक्वेट इन द टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी एंड क्वालिटी। जब खाना आपको क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इन अप्रोप्रिएट हो, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग क्रोनिक हंगर कहेंगे। सीजनल हंगर क्या होता है? सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू द साइकिल्स ऑफ फूड ग्रोइंग एंड द हार्वेस्टिंग। मतलब कि आपके किसी सीजन में, जानते हैं आप लोग कि भारत में कभी अच्छी खेती बाड़ी होती है, कभी खराब होती है, तो उस दौरान जो किसान होते हैं वो सीजनल मतलब हंगर से वो जूझते हैं, जो लोग उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरीके से अब हम लोग चलेंगे अब फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। भारत में फूड सिक्योरिटी क्या है? जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन का इन्वेंशन हुआ, तब से अब तक फूड सिक्योरिटी का हमारे देश में बहुत अच्छा मतलब जो है जमा हो चुका है। हमारी जो ग्रेन्स हैं, चाहे वो राइस हो, चाहे वो वीट हो, बहुत मतलब जो है ह्यूज अमाउंट में हम लोगों ने जमा कर लिया है, स्टोर कर लिया है। और हमारे जो मतलब जो है नेचुरल फेनोमेना है आपके, जैसे कि ड्राउट आ गया, साइक्लोन आ गया, या फिर फ्लड आ गया, या फिर अभी जो बायोलॉजिकल मतलब जो है आपके प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है COVID-19, इस दौरान पे हमारा जो फूड सिक्योरिटी है वो उसकी वजह से देश के अंदर बहुत सारे जगहों में फूड डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं हम लोग, दिस फूड सिक्योरिटी हैज टू कंपोनेंट्स। तो क्वेश्चन आता है कि फूड सिक्योरिटी में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो बफर स्टॉक एंड PDS। बफर स्टॉक क्या होता है हम लोग देखते हैं। बफर स्टॉक होता है कि जो FCI हमारा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका काम होता है जो ग्रेन्स हो उनको किसान से लेकर के स्टोर करना, ठीक है, सिलोज और ग्रेनरीज में, और फिर PDS के थ्रू वो राशन शॉप के जरिए से लोगों तक पहुंचाना। तो बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, नेमली वीट एंड राइस। वीट और राइस, तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि बफर स्टॉक में किन ग्रेन्स को स्टॉक किया जाता है? वीट और राइस को स्टॉक किया जाता है। इसको करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? FCI रिस्पॉन्सिबल है। और द स्टॉक ऑफ वीट एंड राइस परचेज बाई FCI फ्रॉम द फार्मर्स, देयर इज अ सरप्लस प्रोडक्शन। जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है उसको वो खरीद लेती है, जिसे हम लोग कहते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब किसान को पहले ही कुछ पैसा गवर्नमेंट की तरफ से दे दिया जाता है ताकि वो खेती बाड़ी करे, उसमें बीज अच्छे लगाए, फर्टिलाइजर अच्छे लगाए, और बाद में सरकार उस ग्रेन्स को खरीद लेती है। तो MSP कौन डिक्लेयर करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गवर्नमेंट जो है वो MSP डिक्लेयर करती है, जिसे हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं। बफर स्टॉक इज क्रिएटेड टू डिस्ट्रीब्यूट। बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है? ताकि फूड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए जिन लोगों के पास फूड की कमी है, उन लोगों को, थ्रू द राशन शॉप्स को, मतलब जो है हम लोग। और ये इशू प्राइस क्या होता है? गवर्नमेंट की तरफ से लोअर प्राइस तय किया जाता है किसी भी ग्रेन्स के ऊपर, उसे हम लोग इशू प्राइस कहते हैं, जहां जो मार्केट में जाकर के बिकता है। PDS, हम लोग जानते हैं कि FCI का फाउंडेशन जो है 1964 में रखा गया, और ये PDS जो है वो FCI के सपोर्ट में मिलकर के, दोनों मिलकर के काम करती है। PDS का काम होता है खाने को, राशन मतलब जो मतलब सामान है आपका, मतलब गेहूं, चावल, शुगर, ठीक है, केरोसिन ऑयल, इन सारी चीजों को जनता तक पहुंचाने का काम कौन करती है? PDS करती है, जिसे हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। और इंडिया में राशनिंग इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द 1940s। राशन शॉप जो है इंडिया में 1940s में डेवलप किए गए थे, जिसमें अलग अलग तरीके के मतलब कैटेगरीज बनाए गए थे, BPL, APL, ग्रीन कार्ड। तो BPL जो होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन,
एपीएल होता है अबव पॉवर्टी लाइन। तो इस तरीके से बहुत सारे कार्ड इंट्रोड्यूस किए गया ताकि अलग अलग लोगों को उनके जरूरत के हिसाब से ग्रेन्स जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। तो पीडीएस फॉर द फूड ग्रेन्स इंटीग्रेटेड चिल्ड्रेन चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं फूड फॉर वर्क, कुछ मतलब इंडिया में मतलब जो है आपके प्रोग्राम चलाए गए ताकि लोगों तक फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कराया जाए, और उसमें ये भी एक प्रोग्राम था फूड फॉर वर्क। तो फूड फॉर वर्क में हम लोग देखते हैं एट प्रेजेंट देयर आर सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, हम लोग ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में मतलब पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है वो पढ़ चुके हैं, बहुत सारे मतलब प्रोग्राम भारत में चलाए गए, और उसी तरीके से भारत में फूड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम भी चलाए गए जिसके तहत लोगों को काम के बदले में खाना जो है वो अनाज जो है वो दिया जाता है गरीब लोगों को, तो उसे हम लोग कहते हैं फूड फॉर वर्क। उसके बाद है हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कौन तय करता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो तय करती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम लोग करंट स्टेटस ऑफ द पीडीएस, पीडीएस का करंट मतलब जो स्टेटस क्या है। तो हम लोग ये देखते हैं कि भारत में इन 1992 द रीवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाज लॉन्च्ड, मतलब पहले था हमारा पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, 1992 में क्या लॉन्च किया गया, रीवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्वेश्चन आ सकता है रीवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कब लॉन्च किया गया, तो 1992 में लॉन्च किया गया। इट वाज स्टार्टेड इन 1700 ब्लॉक्स ऑफ द कंट्री, 1700 ब्लॉक्स में चालू किया गया ताकि पीडीएस का उनको बेनिफिट जो है वो मिल सके रिमोट और बैकवर्ड एरियाज में। इन 1997 टारगेट टीपी, यहां पर देखिए टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टारगेटेड अभी हमने कहा टारगेटेड का मतलब क्या होता है, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में किसी पर्टिकुलर जगह पे उस चीज को आइडेंटिफाई करके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो 1996-97 में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, जिसमें जितने भी लोग थे पुअर इन ऑल एरिया सब लोगों को फूड डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मतलब जो है गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया ताकि उन लोगों तक खाना जो है वो पहुंचा जाए। फर्दर इन 2000 में मतलब जो है फिर अंत्योदय अन्न योजना जो है वो हुआ, फिर उसके बाद अन्नपूर्णा स्कीम हुआ, अब उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अंत्योदय अन्न योजना की हम लोग बात करते हैं, इसका क्वेश्चन बिल्कुल आएगा और ये नोट कर लीजिए आप लोग। तो अंत्योदय अन्न योजना ये किसके लिए है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पुअरेस्ट ऑफ पुअर, गरीबों में भी जो सबसे ज्यादा गरीब है उनके लिए अंत्योदय अन्न योजना जो है वो चलाया गया था, और इसकी शुरुआत दिसंबर 2000 ईस्वी में की गई। तो दो क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, पहला क्वेश्चन बनता है कि यह किसके लिए किया गया था अंत्योदय अन्न योजना, पुअरेस्ट फॉर पुअर के लिए किया गया था, कब यह शुरू किया गया था, दिसंबर 2000 में शुरू किया गया था, और इसमें बहुत सारे लोगों को फायदा जो है 1 करोड़ लोगों को इसमें से फायदा मिला, और इसी तरीके से मतलब इसमें क्या 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 चीजें कितने कितने ग्रेन्स दिए जाते हैं, तो 25 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स जो है इसमें दिया जाता था पहले, लेकिन ये बढ़ करके बाद में मतलब ये बढ़ करके जो है वो 35 किलोग्राम 2002 में हो गया। 25 किलो पहले दिए जाते थे जब ये शुरू किया गया दिसंबर 2000 में, और बाद में ये बढ़ करके 2002 में इसको 35 किलोग्राम कर दिया गया। अब इसमें जो दिए जाते हैं ग्रेन्स, 2 रुपए किलो जो है वो लोगों को गेहूं दिया जाता है, और 3 रुपए किलो जो है यहां पर राइस दिया जाता है। तो इस तरीके से अंत्योदय अन्न योजना हम लोगों ने देखा कब शुरू किया गया, किसके लिए शुरू किया गया, कितना ग्रेन्स लोगों तक दिया जाता था। अब दूसरा प्रोग्राम है हमारा अन्नपूर्णा स्कीम, अन्नपूर्णा स्कीम जो है ये था इंडिजेंट सीनियर सिटीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सीनियर सिटीजन है उसको देने के लिए कौन सी स्कीम चालू की गई भाई, तो उनको देने के लिए चालू की गई हमारी मतलब अन्नपूर्णा स्कीम, और इस स्कीम में जो सीनियर सिटीजन थे भारत में उनको खाना पहुंचाने के लिए यह स्कीम चालू किया गया। इट प्रोवाइड्स द 10 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर फ्री कॉस्ट, मतलब 1 महीने के लिए हर इंडिविजुअल को 10 किलोग्राम ग्रेन जो है गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता था और अभी भी किया जा रहा है। अब बात करते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस 1975 में चालू किया गया, और ताकि मतलब जो चिल्ड्रेंस है उनके हेल्थ से जो रिस्क है और उनके जो मदर्स है उनके मतलब हेल्थ से जो रिस्क है उनको प्रोटेक्ट करना और उनको मतलब जो है खाना और हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर आती है। फूड फॉर वर्क हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और ये मतलब जो है मतलब चालू किया गया था ताकि लोगों को जो लोग गरीब हैं उनको खाना जो है वो प्रोवाइड किया जाए। अब बात करते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, जो मतलब कुछ प्रोग्राम चलाए गए भारत में ताकि लोगों का जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हो चुके और मतलब जो है वो खाना जो है लोगों तक पहुंच सके और गरीबी से कम जो है वो हो सके। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से मतलब कंप्लीट हो चुका है। अब बचा है रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन द फूड सिक्योरिटी, तो इसमें आप डेयरी फार्मिंग वगैरह ये सारी चीज़ों का रोल है कि क्या मतलब हमारे देश में मतलब जो है
बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने बहुत सारे मतलब डेवलपमेंट्स किए, जैसे गुजरात में ठीक है मिल्क मतलब प्रोडक्शन में वो बहुत ज़्यादा आगे आ गया, तो कॉपरेटिव सेक्टर भी कुछ हैं। तो कॉपरेटिव सेक्टर सोसाइटीज़ में अगर हम लोग देखा जाए तो इन लोगों ने बहुत सारे शॉप्स जो है वो डेवलप किए। अगर हम लोग तमिलनाडु की बात करें तो मतलब जो शॉप्स हैं आपके आउट ऑफ ऑल द फेयर प्राइस शॉप्स रनिंग इन द तमिलनाडु अराउंड 94%। तो क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं वो भारत के किस राज्य में स्थित हैं, तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा फेयर प्राइस शॉप्स आपको जो है देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर्स जो था पूरा मतलब जो है आपके स्टोरी ऑफ पालमपुर, उसके बाद ह्यूमन एज ए रिसोर्स, उसके बाद हमारा पॉवर्टी और चौथा जो चैप्टर था फूड सिक्योरिटी, ये नाइन्थ का इकोनॉमिक्स फुल्ली अपना कंप्लीट हो चुका है। इसमें से अब आप मतलब जब MCQs करेंगे तो कोशिश मतलब जो है कीजिएगा कि पहले इसको रिवाइज़ कर लें, उसके बाद कीजिएगा तो आपका आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।